हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्रिएटिव गार्डनिंग। चलिए आपको अपडेट दिखाती हूँ अपनी उन सीडलिंग की जो हमने विंटर फ्लावर की थी। ये देखिए डहलिया पहले हफ्ते में इसने बहुत अच्छे से ग्रो किया है, इसके सारे सीड्स जर्मिनेट हो गए हैं। और अगर आप देख पा रहे हो तो इनमें ट्रू लीव्स भी निकलने लगी हैं। ये देखिए कैलेंडुला के कुछ सीड जर्मिनेट हुए हैं और कुछ अभी भी जर्मिनेट हो रहे हैं। ये देखिए कैलेंडुला को जर्मिनेट होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। कैलेंडुला के बाद आपको दिखाती हूँ डेजी। देखिए कितने अच्छे से जर्मिनेट हुए हैं डेजी के सीड्स। डेजी के ऑलमोस्ट सारे ही सीड जर्मिनेट हो गए हैं। और इसके बाद आप देखिए स्वीट विलियम, इसकी भी काफ़ी अच्छी जर्मिनेशन हुई है और कुछ सीड्स अभी भी इसमें जर्मिनेट हो रहे हैं। ये देखिए आइस फ्लावर के सीड्स काफ़ी लैगी हो गए हैं और ये गिर रहे हैं और ये शायद ही सरवाइव कर पाएंगे। और देखिए अब एस्टर का पॉट तो गिर गया था और टूट गया था, इसलिए मैंने इसको ऐसे मिट्टी के पॉट में लगा दिया था, तो इसमें सिर्फ दो ही सीड्स जर्मिनेट हुए हैं। ये देखिए एक यहाँ पर पिटूनिया के पास भी जर्मिनेट हुआ है और इसके जो सीड्स जर्मिनेट हुए काफ़ी हेल्दी हैं। और ये देखिए पिटूनिया, अगर आप देख पा रहे हो तो पिटूनिया बहुत छोटे छोटे से हैं, इनको जर्मिनेट होने में सबसे ज़्यादा टाइम लगा है। ये देखिए पिटूनिया के सीड्स काफ़ी छोटे थे पर इनकी जर्मिनेशन प्रोसेस बहुत स्लो है, या फिर हमारे यहाँ काफ़ी लंबे समय तक बारिश हुई इस वजह से शायद इनको टाइम लग गया हो। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है अलाइसम के सीड भी जर्मिनेट हो गए हैं। फ्रेंड्स हमने बहुत ज़्यादा सीड्स तो लगाए नहीं थे, हमने बहुत थोड़े थोड़े से सीड्स ही ग्रो किए थे और उनमें से 80-90% सीड्स सारे ग्रो हो चुके हैं। इट मीन्स हमारे सीड्स की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, इसलिए ऑनलाइन सीड मंगा लेने चाहिए। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ जो मुझे इन सीड्स से मिला है। ये तो थी एक हफ्ते की इनकी ग्रोथ जो इन्होंने एक हफ्ते में किया है। अगर आपके बीज 80% तक जर्मिनेट होते हैं तो वो बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं। चलिए आपको दिखाती हूँ दूसरे हफ्ते की अपडेट। ये देखिए दो हफ्ते बाद का डहेलिया, इसमें देखिए ट्रू लीव्स कितने अच्छे से निकल आई हैं और भी लीव्स निकल रही हैं। इसके सारे प्लांट्स काफ़ी हेल्दी हैं। ये देखिए हमारा एस्टर, ये भी काफ़ी हेल्दी है। इन सारे प्लांट्स को एक हफ्ते के बाद मैं दूसरे पॉट में शिफ्ट करूंगी। ये देखिए कैलेंडुला के भी प्लांट्स जो भी हैं बहुत अच्छे से जर्मिनेट हो गए हैं और इनमें ट्रू लीव्स भी अच्छे से निकल आई हैं। ये देखिए ये अपना डेजी है, डेजी के सीड्स जो है वो ग्रो तो हुए हैं पर बहुत स्लो हुए हैं। ये देखिए स्वीट विलियम्स। चलिए मिलवाती हूँ आपको हमारे नए प्लांट से। ये है जीजी प्लांट, ये एक बहुत अच्छा एयर प्योरीफायर प्लांट है। ये मैं नया लेकर आई हूँ, इसे मैं बहुत दिनों से ढूंढ रही थी पर मुझे यहाँ नर्सरीज में मिल नहीं रहा था। ये तो मुझे जैसे ही मिला मैंने इसको ले लिया है। देखिए ये कितना हेल्दी प्लांट है और इसमें देखिए न्यू ग्रोथ्स हो रही हैं। ये देखिए, आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।